जनपद बहराइच के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह एवं राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने मेडिकल कॉलेज का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को देखकर राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने प्रिंसिपल व सीएमएस को जमकर फटकार लगाई। सरकार द्वारा दी जा रही बेहतर व्यवस्थाओं के बीच अस्पताल में भारी गड़बड़ी दिखाई पड़ी। मंत्री के दौरे के दौरान भी मरीज अस्पताल में जमीन पर लेटे दिखाई पड़े। हालांकि अस्पताल देखने के बाद भी मंत्री जी सब कुछ ऑल इज वेल बताया। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मंशा है कि सरकार के द्वारा दी जा रही सुविधाएं निचले स्तर तक लोगों को मिल रही हैं। ये जानने के लिए हम सभी जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अगर इसमें कोई कमी दिखेगी तो निश्चित तौर पर कार्यवाही की जाएगी। बीजेपी के जनक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो सीएमएस कमरे में कचरे की तरह पड़ी थी, आपने फटकार में लगाई है, क्या कहेंगे आप इसमें? नहीं देखिए, बाध्यता हमारे महापुरुषों की हम लोगों के लिए है कि हम लोग उनका आदर करें, और भारतीय जनता पार्टी का छोटा बड़ा हर कार्यकर्ता हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सदैव सम्मान करता आया है। उन्हीं की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, तो हम लोगों का सम्मान करना हमारा धर्म है। हमने जब सम्मान के अनुरूप नहीं पाया तो हमको दर्द हुआ, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर कोई एम्प्लॉय को भी उतना मोह हो या उतना हो जितनी हमको हमें आस्था है। तो उनके मन में कम आस्था रही होगी तो उन्होंने नहीं किया होगा। मैंने थोड़ा उसके लिए कहा है, उन्होंने टांगा है, माला मंगाई है, कराएंगे, वो कोई बड़ा वैसा विषय नहीं है। अस्पताल का विषय ये है कि मरीजों को अच्छा इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, ये विषय हमारा अलग का पृथक का विषय था जिसको आपने हमसे क्वेश्चन किया। हमारा विषय है कि हमारे चिकित्सक अस्पताल में अच्छा इलाज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, जिस पर मैं 100% समझ सकता हूं कि यहां पर इलाज अच्छा हो रहा है। जिलाधिकारी बहराइच के ने अपने साथ दौरा कराया, तमाम चीज़ें मैंने देखी, जो अपने एफर्ट से, जैसे मैंने भी देखा कि हमारे सिलेंडर्स के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए अलग से कमरा बनाया गया जो नहीं पराया बनता, ऐसे वैसे पड़े रहते हैं, तो व्यवस्था यहाँ बेहतर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले की सरकारों से कई गुना बेहतर बहराइच की चिकित्सा व्यवस्था आज है। अभी आपने कहा कि दर्द होता है, एक बाप यहीं पर रोता रहा, चिल्लाता रहा, उसका बेटा मर गया है। अस्पताल का आपने भ्रमण किया है, क्या आपको नजर आया है, क्या आपने देखा? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया है, पहला निर्णय था सरकार बनने के बाद कि सरकार जनता के द्वार जाए, जिसके क्रम में हमारे सभी उत्तर प्रदेश के मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं सब जनपदों में इसी भांति जा रहे हैं, यह समझने के लिए कि जिस आधार पर जनादेश मिला था, जिस नीत पर हमको जनादेश मिला था, जिस नीत पर हमको 37 वर्षों बाद कोई दोबारा मुख्यमंत्री बना है, वो नीत गांव तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, सरकार की नीतियों के अनुसार प्रशासनिक अमला हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हमको रेहड़ी पटरी वालों से लेकर के उद्योगपतियों तक, अस्पताल और जो भी निर्माण कार्य हो रहे हैं उनको सबको देख करके, जो यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं उनसे डिस्कस करके, जो अमेंडमेंट या जो जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे, जो जरूरत उत्तर प्रदेश सरकार की होगी हम इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को आख्या देंगे, उसके अनुरूप बहराइच के वासियों के लिए सारी सुविधा जहां कहीं कमी होगी उसको उपलब्ध कराया जाएगा। इस उद्देश्य से मैं बहराइच में आज हूं। बीजेपी के